शुरुआती नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जलेबी कैसे बनती है। जी हाँ, जलेबी अक्सर हिंदुस्तान में तो प्रथा है कि सवेरे सवेरे लोग दही जलेबी खाते हैं, दूध जलेबी खाते हैं, लोग खाली जलेबी भी खाते हैं नाश्ते के अंदर। और हमारे अगर हम यूपी की तरफ जाए तो बहुत लोग जो है जो सवेरे सवेरे जलेबी का मतलब नाश्ता करते हैं, ये मान के चलिए। तो उसको कैसे बनाया जाए, उसके लिए आपको रात को जो है मैदा भिगोना होगा। जी हाँ, मैदे को आप भिगो दीजिएगा एक अच्छी से, उसके अंदर एक पतीला ले लीजिएगा। अगर आपको समझ लीजिए 1 किलो की जलेबी बनानी है तो 1 किलो आप मैदा भिगो दीजिएगा अच्छे से उसके अंदर भिगो के, और उसको मिलाकर अच्छे से मिलाकर और उसको छोड़ दीजिएगा। और सवेरे तक उसके अंदर खमीर आ जाएगा, हल्का सा खटासपन आ जाएगा, फिर उसको हिलाइएगा। और आजकल एक रंग आता है जो खाने में डलता है, अगर चाहे तो आप उसमें वो डाल सकते हैं, और नहीं चाहे तो मत डालिए, जैसी आपकी इच्छा है वो कर लीजिएगा। और एक कपड़ा आता है, एक कपड़ा बनता है जो आपको कहीं से भी आप जाएंगे तो मिल जाएगा, उसमें एक सुराख होता है उस कपड़े को, और सुराख को आपको अक्सर या तो कोई बना के दे देगा या दुकानों से मिल जाता है, वो ले लीजिएगा। और उसके बाद आप अपने स्टोव पर, चूल्हे पर, गैस पर, जो आपकी सुविधा हो उस पर एक छोटी सी कढ़ाई रखिए। कढ़ाई जैसे प्लेन कढ़ाई होती है, गहरी वाली कढ़ाई नहीं, उस कढ़ाई के अंदर तो पूरियां तलते हैं, जो बिल्कुल चपटी होती है, ऐसे उठाकर रख दी आपने। अब उसके अंदर आप घी डालिएगा, देसी घी की जलेबी डाल दीजिएगा और उसको गर्म होने दीजिएगा। वो अच्छे से गर्म हो, आपको लगे कि गर्म है तो हल्का सा उसमें से दाना लेकर उस पे छिड़किएगा, तो उससे पता लग जाएगा कि वो एकदम तेल में ऊपर आ गया, तो तेल गर्म हो गया। ये तेल गर्म होने की प्रक्रिया है। अब उसके बाद आप उसमें से करछी से जो आपने वो बनाया है मैदे का वो साबुन, उससे करछी से उस कपड़े के अंदर डालिए और उसको बंद कीजिएगा, और बंद करके टाइट कीजिएगा। और टाइट करने के बाद अब आप क्या करेंगे, जी हाँ, कभी कभी उसमें मैदे की गांठ भी अड़ जाती है तो उसमें से वो निकाल दीजिएगा, होता है तो, नहीं तो कोई होता नहीं। और उसे लेके और फिर आप उसके अंदर जो आपकी क्या है, जी हाँ, जिसके अंदर आप बना रहे हैं कढ़ाई के अंदर, उसके अंदर अब आप उसको यूं करके 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 आपने, और ये इधर रख दी आपने। अब वो जलेबी बनने के लिए कर दी। एक चिमटा लीजिएगा, अच्छा स्टील का चिमटा, अब उससे उसको सिकने दीजिएगा। और सिकने के बाद जब लगता है कि आपको करारी हो रही है तो उसको पलट दीजिएगा। जब वो पलटी कर लेती है तो उसको सिकना, अच्छा सिकना हो जाता है। अब ये आपके बनने के बाद क्या करना होगा, सबसे मेन चीज ये कि अगर ये बनती है, हैं, अगर ये बनती है तो अब इसका करना क्या होगा। इसके लिए आपको सबसे मेन चीज है कि मिठास लाने के लिए चाशनी बनानी पड़ती है। चाशनी का क्या करेंगे आप, कि आप 1-2 किलो तकरीबन, 1 किलो जलेबी बनानी है तो 2 किलो उसके अंदर आप पानी ले लीजिएगा और उसमें चीनी डाल दीजिएगा। 2 किलो, 2 लीटर पानी के अंदर चीनी डालेंगे आप, तकरीबन मान के चलिए 1.5 से 2 किलो चीनी, और अब उसको उबलने देंगे। अच्छे से उबाला आएगा उसमें, कम से कम 5-7-10 मिनट उबाला आएगा और उसकी तार बन जाएगी। तार आप देखेंगे ना, देखेंगे लेस, तो उसके अंदर तार बनेगी, ये ऐसे ऐसे तार बनेगी, आपको लगेगा कि वो 1-2-3 तारें बन रही हैं। तो जब उसमें लगे आपको कि 3 तार बन गई है, वो गाढ़ी हो गई है अच्छे से, उसको उतार लीजिएगा। और अब वो जो भुनी हुई जलेबी है जो आप उतार रहे हैं, वो जलेबी को उतारिएगा और उस चीनी वाले घोल के अंदर डाल दीजिएगा और छलनी से उसको दबाइएगा। देन धीरे से फिर उसको जब भीग जाए वो उसके अंदर प्रॉपरली, उसको निकाल कर आप प्लेट में डाल दीजिएगा। अब प्लेट में डालने के बाद ये आपकी करारी जलेबी तैयार हो गई। आपको क्या करना है, फिर तो बता रहा हूं सूक्ष्म तरीके से, कि आपको रात को मैदा भिगोना है, अच्छे से हिलाकर मैदा भिगो देना है, उसके अंदर पतीले के अंदर मैदा भिगोना है, और सवेरे जब देखेंगे तो उसके अंदर हल्का सा खमार आके खटास आ जाएगा, वो मैदा तैयार हो गया है जलेबी का। एक कपड़ा लेना है, जो कपड़ा आपको बाजार में कहीं भी मिल जाएगा जलेबी बनाने का कपड़ा, वो कपड़ा लीजिएगा। और चाशनी के लिए 2 लीटर पानी के अंदर 1.5 किलो जलेबी, 1.5 किलो चीनी डालकर उसको उबालिएगा कम से कम 15 से 20 मिनट। जब उसके अंदर 3 तार हो जाए तो वो तैयार होकर उतार लीजिएगा, और कढ़ाई पे, चूल्हे पे, गैस पे, किसी पे भी कढ़ाई रखकर, चपटे वाली कढ़ाई, उसमें घी डालकर अब आप उसको लीजिएगा और जलेबी बनाइएगा। और जब वो सिक जाए तो चिमटे से उतार कर उस घोल में डाल दीजिएगा जो चीनी का है, और उसमें से उसको भिगो कर अच्छे से निकाल कर प्लेट में डालिएगा। तो समझ लीजिए कि आपकी जलेबी तैयार। ये आपके घर की जलेबी है जिसे आप खाएंगे, मजा आ जाएगा आपको। करारी जलेबी, इसको बना के देखिएगा, बहुत बढ़िया चीज है। तो आज हमने आपको बताया कि जलेबी कैसे बनाई जा सकती है घर में, इसका आनंद लीजिएगा।
खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और अपने अपने धर्म का पालन करते रहिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा, बस। थैंक यू वेरी मच। हमें शेयर कीजिएगा, हम पर टिप्पणियां कर सकते हैं, लाइक्स तो आपके बनते ही हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।